अस्सलाम वालेकुम, गोगी टेक में आपका स्वागत है दोस्तों। फाइनली रेडमी नोट 7 मेरे पास आ चुका है और फ्लिपकार्ट की जो पैकिंग देखिए कितनी घटिया है, यहाँ पर पैकिंग किया है फ्लिपकार्ट। और यहाँ पर देखिए मेरा फ़ोन सेफ है और यह है एक बिल और उसके ऊपर लिख, यहाँ पर देखिए रेडमी नोट 7 और यहाँ पर इंडियाज़ नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड। अभी देखिए इसको बिल को हम एक बार साइड में हटा लेते हैं और क्या कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलता है बॉक्स पे देख लेते हैं। बॉक्स के राइट और लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ है रेडमी नोट 7 बाय शाओमी, कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्नैपड्रैगन 660 6.3 इंचेस फुल HD प्लस डिस्प्ले, नॉच डिस्प्ले और शाओमी इसे कहता है डॉट डिस्प्ले, और 12+2 मेगापिक्सल AR डुअल रेयर कैमरा, 4000 mAh बैटरी। और मैंने ये परचेज किया है रूबी रेड में, 4 GB 64 GB। और यहाँ पर देखिए कुछ बारीकी से यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, डुअल सिम डुअल स्टैंड बाय डुअल वोल्टी सपोर्ट करता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर टाइप सी और बहुत कुछ यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर देखिए मेड इन इंडिया का लोगो कुछ इस तरह से बॉक्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और चलिए फटाफट अभी इसको हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ओपन करते हैं अंदर और एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है और इसमें क्या कुछ मिल जाता है तो देख लेते हैं। इसमें आपको मिलेगा एक TPU केस कवर, यहाँ पर देखिए TPU केस कवर और वारंटी इंफॉर्मेशन, यूज़र मैनुअल कुछ इस तरह से देखिए, यह है वारंटी इंफॉर्मेशन यूज़र मैनुअल। इसको एक बार साइड में हटा देते हैं और यह है अपना TPU केस कवर। और TPU केस कवर की जो क्वालिटी है उतना खास तो नहीं है लेकिन फिर भी चल जाता है। और यहाँ पर देखिए सिम इजेक्शन टूल भी मिल जाता है। तो अभी हम चलते हैं सीधे फ़ोन की तरफ। फ़ोन देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, यहाँ पर रेड कलर में काफ़ी बढ़िया एक कलर है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से अभी जो पीछे का जो स्टिकर है अभी हम इसे निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टिकर पूरी तरह से निकाल चुका हूँ, अभी इसकी जो रियल ब्यूटी है कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पीछे देखिए कितना प्लेन सा एक ग्लास है, उसके ऊपर का लगा हुआ है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट। और पीछे भी यहाँ पर देखिए रेडमी बाय शाओमी और डुअल रेयर कैमरा, AI कैमरा 12+2 मेगापिक्सल। अभी हम देख लेते हैं फ़ोन के ओवरव्यू। और यहाँ पर देखिए राइट में आपको एक पावर लॉक अनलॉक की मिल जाती है और उसके ऊपर आपको वॉल्यूम ट्रॉक अप और डाउन की मिल जाती है। और आपको ऊपर 3.5 mm हेडफोन जैक और साथ ही साथ IR सेंसर और एक सेकेंड नॉइस कैंसलेशन माइक। और यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट में सिम ट्रे मिल जाता है जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है। और इसी तरह यहाँ पर नीचे देखिए आपको टाइप सी पोर्ट, एक स्पीकर ग्रिल और सेकेंड नॉइस कैंसल माइक। दोस्तों फ़ोन को मैंने पूरी तरह से स्टार्ट कर चुका हूँ, अभी हम चलते हैं रैम के तरफ और फर्स्ट बूट में कितना रैम मिल जाता है तो देख लेते हैं। 4 GB में से 1.7 GB आपको फ्री मिल जाता है फर्स्ट बूट में। अभी सारे ऐप को किल करने के बाद 2.1 GB यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। तो अभी हम चलते हैं सीधे सेटिंग्स में और सेटिंग्स में क्या कुछ मिल जाता है देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पर देखिए मैंने सेटिंग्स में चला गया और चलते हैं अबाउट फ़ोन कुछ इस तरह से देखिए। और यहाँ पर देखिए डिवाइस नेम रेडमी, मॉडल नंबर रेडमी नोट 7, एंड्रॉयड का वर्शन जो है पाई मिल जाता है आपको। ये देखिए एंड्रॉयड वर्शन पाई मिल जाता है आपको और अच्छी बात है, एक लेटेस्ट एंड्रॉयड आपको मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए MIUI 10.2 मिल जाता है जो कि अब तक का लेटेस्ट अपडेट है। और यहाँ पर देखिए 2.2 GHz के ऊपर एक क्लॉक है, ये कोई अंडर क्लॉक वगैरह नहीं है। 4 GB रैम, 64 GB में से आपको 52.51 GB आपको मिल जाते हैं। और एंड्रॉयड का जो सिक्योरिटी पैच है वो यहाँ पर 5 जनवरी का यहाँ पर आपको एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। दोस्तों कंपनी का जो दावा है रेडमी नोट 7 क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करता है, हालांकि आप बॉक्स में 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का आपको अडेप्टर मिल जाता है। ये देखिए 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का अडेप्टर। और ये रहा मेरा 18 वाट का अडेप्टर जो कि मैंने पोको F1 के साथ मुझे मिला था। ये रहा मेरा पोको F1 कुछ इस तरह से देखिए, कलर दोनों का भी रेड है कुछ इस तरह से देखिए। थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा कुछ ज़्यादा कम मिल जाता है। और अभी हमने इसका चार्जिंग टेस्ट करेंगे क्या सच में ये सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। और मैंने यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ 5 वोल्ट 2 एम्पीयर को कुछ इस तरह से देखिए। यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का पावर एडाप्टर और यहाँ पर देखिए
मैंने फ़ोन को यहाँ पर चार्ज लगाता हूँ और देखिए मैंने यहाँ पर चार्ज लगा दिया हूँ। जैसे मैंने चार्ज लगा दिया ये फ़ोन चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये यहाँ पर क्विक चार्ज ये तो नहीं है, ये नॉर्मल चार्जिंग एडाप्टर है। अभी हम एक बार क्विक चार्ज 3.0 को लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया और कनेक्ट करके यहाँ पर आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। जैसे मैंने ये कनेक्ट किया और यहाँ पर देखिए एक क्विक चार्ज का लोगो आ चुका है। तो फाइनली यार ये फ़ोन क्विक चार्ज फोर को सपोर्ट करता है, लेकिन क्विक चार्ज फोर का एडाप्टर तो यहाँ पर नहीं मिलता और Xiaomi कब लॉन्च करेगा कब नहीं अभी तक पता नहीं है। दोस्तों अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो आपको पीछे ड्यूल रियर कैमरा मिल जाता है जो कि 12+2 मेगापिक्सल का, और साथ ही साथ आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है और AI सपोर्ट वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाता है। कुछ इस तरह से देखिए अभी मैंने एक सेल्फी क्लिक करता हूँ और बता दूँगा कि आपको कैसे यहाँ पर दिख जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन में। कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर फर्स्ट इम्प्रेशन में तो अच्छा है और डिटेलिंग भी काफ़ी यहाँ पर आया है, अच्छा आया है। और बहुत सारे मैंने यहाँ पर सैंपल लेके आया हूँ और देखिए और ख़ुद डिसाइड कीजिए कि कैसा ये कैमरा है। यहाँ पर देखिए जो रियर कैमरा की पिक है ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर डिटेलिंग आया है। अगर हम 10,000 के आसपास के फ़ोन की बात करते हैं तो जो ये कैमरा है काफ़ी बढ़िया यहाँ पर निकल के आता है। ये देखिए यहाँ पर कुछ देर यूज़ करने के बाद जो फिंगरप्रिंट्स मजेस है जल्द ही आ जाते हैं और बहुत ही गंदा दिख रहा है ये फ़ोन, इसलिए आप इसे बिना TPU केस के ये यूज़ मत करना, हमेशा TPU केस के साथ ही यूज़ करना। और अगर आप चाहते हो तो कस्टम स्किन भी अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं गेमिंग की तरफ और कितना दमदार है बताते हैं गेम खेल के। मैंने यहाँ पर देखिए PUBG डाउनलोड किया है, मैंने यहाँ पर PUBG को अभी ऑन करता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी मैं इस गेम के सेटिंग्स पर जाके बताता हूँ। जो ग्राफिक है यहाँ पर देखिए मैंने रखा हूँ HD में और जो फ्रेम रेट है बिल्कुल हाई है, ये HDR में नहीं चलता, सिर्फ HD तक ही ये सपोर्ट करता है। कुछ इस तरह से देखिए HDR को सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ HD को ही सपोर्ट करता है। अगर हम गेमिंग की बात करते हैं तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा मेरा और बिल्कुल शटर लैग हैंग बिल्कुल नहीं है और एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो गेम चला HD ग्राफिक्स में। तो बस इसी के साथ अपना वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए पर लाइक करना, शेयर करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोज़ ले आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।